सर प्लीज मुझे बताइए कि उस वीडियो टेप और उसमें दिखाई देने वाली भयानक लड़की की कहानी क्या है? क्यों उस टेप को देखने के बाद 4 दिन के अंदर देखने वाले इंसान की मौत हो जाती है? ये बात है सन 2004 की। वो इस घर में रहने वाला पहला कपल था, सम्राट और रजनी। कैसा लगा नया घर? सब कुछ बढ़िया है ना? हाँ, सब कुछ मस्त है। जब हमारा बेबी आएगा तो वो भी इस घर के आंगन में मजे से खेलेगा। अरे नहीं नहीं, आंगन में नहीं, आंगन में तो मेरे दोनों जिगर के टुकड़े रहेंगे। सम्राट, तुमको अभी भी अपने घोड़ों की परवाह है, बच्चे का ख्याल नहीं है? अरे नाराज क्यों होती हो? जब बेबी आएगा तो सब एडजस्ट हो जाएगा, उसे अभी आने तो दो। सम्राट ने घर के लोन में ही एक अस्तबल बनवा कर उसमें 2 घोड़ों को बांध दिया। बड़ी ताज्जुब की बात थी कि वो अपनी बीवी से ज्यादा अपने घोड़ों को समय देता था। कुछ महीनों बाद रजनी को एक लड़की पैदा हुई। सम्राट देखो हमारी बेटी कितनी प्यारी है ना, हम इसका नाम क्या रखें? तुम कोई अच्छा सा नाम सोचो, मैं जरा घोड़ों को चारा देकर आता हूँ। इनकी आदत तो अभी भी वही है, लगता है ये कभी नहीं सुधरेंगे। अब इसी तरह कई साल गुजरे, रजनी ने अपनी लड़की का नाम महक रखा, जो कि अब 12 साल की हो चुकी थी। महक के साथ खेलने के लिए यहाँ कोई बच्चा नहीं था, तो वो अक्सर घर के पीछे बने कब्रिस्तान में चली जाया करती थी। और एक रात, अरे शाम के 7 बज चुके हैं, ये महक अभी भी घर नहीं आई है, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया? ये सोचकर रजनी घर के पीछे बने कब्रिस्तान में गई, और जो उसने देखा उसे देखकर खौफ से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। महक एक कब्र के पास बैठी हुई उससे कान लगाकर कुछ सुन रही थी। महक, ये तुम क्या कर रही हो? इस पर महक बोली, मम्मी इसके अंदर मेरा दोस्त है, मैं उससे बात कर रही थी। क्या बोल रही हो तुम, मुर्दे कभी बात नहीं करते, समझी? नहीं, इसने मुझसे बात की है और इसने अपना नाम फैजू बताया है। उसके मुंह से ये बात सुनकर रजनी को बहुत गुस्सा आया। चलो यहाँ से, इस तरह के मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रजनी उसको घर ले गई और कमरे में उसको छोड़ते हुए बोली, अब तुम चुपचाप सो जाओ और आगे से कभी ऐसा मजाक मत करना। उसकी बात सुनकर महक बेड पर लेट गई, और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो उसको घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज आने लगी, और उसने खिड़की से झांक कर देखा। मेरे प्यारे घोड़ों, मैं तुम दोनों से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, सबसे ज्यादा प्यार। ये कैसे पिता है, मुझे भूलकर इन जानवरों से प्यार करते हैं, ऐसे बाप से तो अनाथ होना ही अच्छा है। ये कहकर वो वापस लेट गई, लेकिन घोड़ों की आवाजें उसको सोने नहीं दे रही थी। उसको उनकी हिनहिनाहट से बहुत तकलीफ होने लगी। कमबख्त सोने भी नहीं देते। ऐसा कहकर वो खिड़की के रास्ते घर से निकल गई और वापस कब्रिस्तान में जाकर उसी कब्र के पास लेट गई जिसको वो फैजू की कब्र बता रही थी। फैजू देखो मैं वापस आ गई, इस शांत माहौल में मैं तुमसे बात करते करते सोना चाहती हूँ। तभी उस कब्र के अंदर से एक भयानक आवाज आई। महक, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे यहाँ अकेले सोना अच्छा नहीं लगता, अब तुम आ गई हो ना तो हम दोनों आराम से बातें करते करते रात गुजार लेंगे। महक कब्र के अंदर से आ रही उस आवाज के साथ गुफ्तगू करती रही, और इसी तरह उसे नींद आ गई। सुबह होने पर जब रजनी ने महक को उसके कमरे में नहीं पाया तो वो बहुत डर गई। ये महक कहाँ है, कहीं कब्रिस्तान में तो नहीं? ये सोचकर वो तेजी से कब्रिस्तान पहुंची और उसने महक को उसी कब्र के पास सोते हुए पाया। महक, तुमको कहा था ना कि यहाँ मत आना, तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि रात में कब्रिस्तान जैसी जगह पर अकेले आकर सो गई तुम? उन जानवरों के सिर दुखा देने वाली आवाज सुनकर जागते रहने से तो यहाँ सोना बेहतर है, और वैसे भी मैं यहाँ अकेले नहीं सोई थी मम्मी, फैजू है ना यहाँ पर।
ये सुनते ही रजनी उसको घर के अंदर ले आई। महक अपने कमरे में थी। उसने अपने चारों ओर एक गोला खींचा हुआ था और उसके अंदर वो आंखें बंद किए बैठी थी। महक बेटा, तुम कहाँ हो? उस समय रजनी उसको घर में तलाश कर रही थी और सम्राट अपने घोड़ों के पास बैठा उनको चारा खिला रहा था। महक बेटा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? ये सवाल करते हुए वो भी महक के कमरे में पहुंची। उसने देखा कि महक जमीन पर बैठी हुई आंखें बंद किए हुए कुछ मंत्र जैसा बुदबुदा रही है, तो वो हैरान रह गई। अब ये क्या नया खेल है महक? ऐसा कहते हुए वो उसके करीब जाना चाहती थी, लेकिन जिस रेखा से महक ने गोला खींच रखा था वो उस सरहद के अंदर नहीं जा पा रही थी। ये क्या हो रहा है? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रही? उसी टाइम अस्तबल में बंधे दोनों घोड़े जोर जोर से हिनहिनाने लगे। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसे क्यों बिदक रही हो? वो दोनों घोड़े ऐसे बेकाबू हुए कि उन्होंने अपनी रस्सी तक तोड़ डाली और दोनों भाग निकले। अरे कहाँ जा रहे हो दोनों? वापस आओ। वो दोनों घोड़े पलटे और भागकर वापस सम्राट की तरफ आने लगे। अरे बाप रे, ये तो बहुत तेजी से भागे आ रहे हैं। सम्राट के करीब आकर वो उसको कुचलते हुए आगे निकल गए। उसकी चीख सुनकर रजनी बाहर गई और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। सम्राट का सीना बुरी तरह से कुचला हुआ था और वो मर चुका था। सम्राट! तभी उसकी नजर घर की खिड़की पर पड़ी, जिससे महक झांकते हुए अपने मरे हुए पिता की लाश को देखकर खुश हो रही थी। अब मुझे परेशान करने वाला यहाँ कोई नहीं है। इस हादसे के बाद रजनी को पता चल चुका था कि उसकी बेटी कोई आम लड़की नहीं है और उसके अंदर शैतानी शक्तियाँ हैं। आज से तुम इस कमरे में ही बंद रहोगी, अपनी आखिरी सांस लेने तक। ये कहकर उसने महक को उसके कमरे में बंद कर दिया और जिस खिड़की से निकलकर वो जाया करती थी उसको भी घर के बाहर से बंद कर दिया। मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकती माँ, आप चाहे कितने भी दिन मुझे यहाँ बंद कर दो। महक उस कमरे में ही बिना खाए पिए रहने लगी। वो कमरे में लगे VCR पर अपनी पसंद की एक ही मूवी बार बार देखा करती थी और इसी तरह कई दिन गुजर गए। इतने दिन गुजर गए, मैं कभी भी बिना खाए पिए जिंदा कैसे है? जरूर कोई शैतानी शक्ति इसको जिंदा किए हुए है। पता नहीं आगे चलकर वो क्या करेगी। अब मैं और नहीं रुक सकती। ये सोचते हुए उसने दरवाजा खोला। मैं कभी भी TV के सामने बैठी हुई थी। महक बेटा चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। नहीं मम्मी, मुझे यहीं रहने दो, मुझे ये मूवी देखनी है। रजनी ने देखा कि मूवी बहुत ही डरावनी थी और उसको जबरदस्ती घर से निकाल कर कुएं पर ले गई। मम्मी, अगर आप मुझे मारना चाहती हैं तो याद रखना कि आप भी जिंदा नहीं बचेंगी। ये सुनकर रजनी ने उसको कुएं में फेंक दिया। उसके बाद वो बुरी तरह चीख मार कर रोई, तो कुएं के अंदर से महक की आत्मा बाहर निकली और उसने अपनी माँ को खत्म कर दिया। उसके बाद उसकी आत्मा अपने कमरे में पहुंची और उसी वीडियो टेप के अंदर समा गई, जिसे उसने मरने से पहले आखिरी बार देखा था। ये कहानी सुनकर पुनीत का बहुत बुरा हाल था। इसने उसकी रूह को अंदर तक कपा दिया था। वो उस कमरे के अंदर पूरे 4 दिन तक लगातार वही वीडियो देखती रही और इसीलिए वो इस वीडियो टेप से कनेक्ट हो चुकी है और इसे देखने वाले हर इंसान को 4 दिन के अंदर मार देती है। हाँ, और अब तुम भी मरने वाले हो। लेकिन आपको जब ये सब पता था तो आपने इस टेप को खत्म क्यों नहीं किया? अगर ये इतना आसान होता तो मैं कर देता। क्या मतलब है आपका? तुम खुद कोशिश करके देख लो। पुनीत ने सामने जल रही चिमनी की आग में उस वीडियो टेप को फेंक दिया, लेकिन तभी आग बुझ गई। ये कैसे हो सकता है? पुनीत ने उसको उठाया और जमीन पर पटक पटक के मारा, लेकिन वो जरा भी नहीं टूटी।
इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। इस टेप को देखने वाले हर इंसान को मारकर ये वापस उसी घर में पहुंच जाती है। तो फिर मैं अपने आप को कैसे बचा सकता हूँ? अगर तुम 4 दिन होने से पहले ये टेप किसी और को दिखा दो तो वो तुम्हें छोड़कर उस इंसान को मार देगी। ये सुनकर पुनीत वहाँ से निकला। कार ड्राइव करता हुआ वो यही सोच रहा था कि अपनी जगह किसको बलि का बकरा बनाए। टीना, हाँ, टीना ही सही है। मैं उसी को ये वीडियो टेप दिखाऊंगा। ये बात मन में रखते हुए वो वापस शहर की तरफ निकल गया और वहाँ पहुँच कर वो सीधा टीना के घर पहुँचा। इस टेप में एक ऐसा वीडियो है जिसको अकेले में कोई नहीं देख सकता। कहते हैं जो भी इसे अकेले में देखने बैठता है वो आधी फिल्म के बीच में ही उठकर भाग जाता है। भागते होंगे डरने वाले। मैं तो इसको आराम से देख लूंगी, वो भी बिना डरे। ठीक है, तो 5,000 रुपए की शर्त लगाते हैं। तुम इसे मेरे जाने के बाद ही देखना। अगर तुमने ये पूरी मूवी देख ली तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा, और अगर नहीं देख पाई तो तुम मुझे देना। तुम बस कल सुबह पैसे देने आ जाना, मैं देख लूंगी। ठीक है, तो अब तुमसे मैं कल मिलूंगा। पुनीत टीना को वो वीडियो टेप देकर चला गया। तकरीबन 11 बजे टीना ने वो वीडियो टेप प्ले की। क्या बकवास मूवी है यार, बिना सिर पैर के सीन दिखा रहे हैं। उसने वो पूरी मूवी बहुत ही आसानी से देख ली। फिर उसके पैरों में एक पर्ची आकर गिरी जिस पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। सुबह उठकर वो फ्रेश होने बाथरूम गई और बाथटब में नहाने लगी। ओह गॉड, ये पानी आज इतना ठंडा कैसे आ रहा है? तभी किसी ने हाथ निकाल कर उसका पैर पकड़ लिया तो महक उसी वीडियो टेप वाले भयानक अवतार में टब के अंदर थी। उसने टीना को खत्म कर दिया। पूरे बाद टब का पानी खून से लाल हो गया था। उसके बाद महक गायब हो गई और वो वीडियो टेप भी वापस उसी घर में महक के कमरे में पहुंच गया, उसी वीसीआर के ऊपर जहां वो पहले रखी होती थी। क्या आप उस घर के अंदर जाकर एक बार उस वीडियो टेप को देखने की हिम्मत करेंगे?